हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज का क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जैसे कि एसएससी सीजीएल और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, बीआरएसआई, यूपीएसआई और बैंक में यह क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। तो हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को किस तरह हॉट विधि द्वारा बताएंगे, हॉट ट्रिक के द्वारा बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो देखिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्वेश्चन को जान सकें। तो देखिए, क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि का 80% एक्स है तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वाई का 80% एक्स है तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। तो एक्स का कितना प्रतिशत यानी कि वाई है, कितना मतलब होता है कि आप वहाँ पर ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। तो हम कितना की जगह पर जेड लिख सकते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, जेड लिखेंगे। आप देखेंगे इसमें कि जेड आप जेड की जगह पर आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर जेड लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि कितना प्रतिशत वाई जेड है। तो देखेंगे हम क्या करेंगे इसको कि वाई का 80% एक्स है तो वाई का मान कितना दिया है, एक्स का जेड परसेंट। वाई का वैल्यू कितना दिया है, एक्स का जेड परसेंट, यानी कि जहाँ जहाँ वाई रहेगा वहाँ वहाँ एक्स गुना जेड परसेंट लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए वहाँ वाई दिया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स गुना जेड प्रतिशत, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स गुना जेड प्रतिशत। उसके बाद यहाँ गुना है तो गुना लिखेंगे, 80 है तो 80 लिखेंगे और प्रतिशत तो प्रतिशत लिखेंगे, उसके बराबर है तो बराबर एक्स एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स है तो एक्स, अब जेड का जेड प्रतिशत होता है, प्रतिशत को 100 से भाग करते हैं और गुना 80 है तो 80 लिखेंगे, प्रतिशत है तो 100 से भाग करेंगे, बराबर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक्स से एक्स काट देंगे, उसके बाद देखेंगे कि जीरो से जीरो काटेंगे, यहाँ पर चार से काटेंगे, चार दो आठ और चार पचीसा 100। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर 2 बच गया, 5 2 5 10, तो ऊपर जेड का जेड हो जाएगा और नीचे 25 25 125 हो जाएगा, ठीक है, 25 25 125। तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, यानी कि जेड का मान कितना हो गया, 125, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि एक्स का 8% वाई के 4% है तो एक्स का 20% किसके बराबर है। एक्स का 8% तो एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर है, वाई के 4% के बराबर है। तो देखेंगे यहाँ पर हम कि प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे और चार दुना आठ काट देंगे, ठीक है। तो चार दुना आठ काट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वाई का मान कितना हो गया, 2x। इसको देखिए यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर 2/2। तो यहाँ पर एक्स का 20% बराबर एक्स बटा 20%। तो यहाँ देखेंगे कि एक्स का वैल्यू कितना है, वाई बाई टू है, तो इसी जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ क्या रखेंगे, वाई बाई टू। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे वाई बाई टू लिखेंगे और गुण है 20/100 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 20 25 100, पाँच बार में काट देंगे और वाई का वाई हो जाएगा, 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो यानी कि वाई का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ पर वाई का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यदि एक्स वाई से 25% छोटा है, इसका मतलब हुआ एक्स हो गया और यहाँ पर वाई हो गया, तो करके एक्स वाई से 25% छोटा है, इसका मतलब हुआ वाई 100 दिया है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो है वाई से 25% छोटा है, यानी कि 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वाई का वैल्यू कितना हो गया, 100, एक्स का वैल्यू 75 हो गया। तो यानी कि एक्स से जो 25 से कितना हो गया, 25 छोटा हो गया, ठीक है। तब हम यहाँ देखेंगे कहें कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसमें देखेंगे y का वैल्यू 100 है और x का वैल्यू 75 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 100 और 75 का काउंटर कितना है, 25 है, तो 25 बटा 75
गुना सौ लिख देंगे, क्योंकि 75 से लेना है तो 25 पच्चीस 75 और 100 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 33 पूर्णांक 1/3%। यहाँ कितना हो जाएगा, 33 पूर्णांक 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 75 जो है वाई से क्या है 25% छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर 25 घटा दिए हैं और कह रहे कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत है, तो जो कर जो कम है वो ऊपर हो जाएगा और जिससे छोटा है वह नीचे हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 10,000 के 33% का, तो 10,000 हो जाएगा यहाँ पर का 33%, इसका अर्थ हुआ 33, 99, 100, तो 100/3 हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे तो 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 300, यानी 100/300 हो जाएगा का 0.15%। तो देखिए पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऊपर उठ जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएगा, और परसेंट है तो परसेंट से गुना कर देंगे, ठीक है। तब यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 0 से 2 0 से 4 0 हुआ, 4 0 से 4 0 काट देंगे, नीचे 2 0 से ऊपर 2 0 काट देंगे, 3 5 15 काट देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 बच गया, जो यहाँ मेरा ऑप्शन है जो आपको दिया है 2/3 है। तो देखेंगे कि 1/3 का कितना प्रतिशत, 2/3 है तो 1/3 हो जाएगा, और कितना प्रतिशत, एक्स बटा 100 हो जाएगा, कितना प्रतिशत 2/3 है तो बराबर 2/3 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए एक में एक्स है तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से 3 क्या कर देंगे, काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे, ऊपर बचेगा एक्स और नीचे बचेगा 100, तो 100 में 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो जब 100 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 200 हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो गया 200। तो यही तो मेरा ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक्स का 30% जो है 72 है, तो एक्स का मान ज्ञात कर देना है। देखिए एक्स है तो एक्स का यहाँ पर 30% हो जाएगा, तो 100 से क्या करते हैं प्रतिशत में बदलते हैं, तो यानी 100 से डिवाइड करते हैं, एक्स का 30% 72 है तो एक्स का मान ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो एक्स का 30% है तो परसेंट है तो क्या करेंगे, प्रतिशत में बदल देंगे उसको, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 72 है यहाँ पर, तो 72 लिख देंगे, ठीक है। तो 3 0 से 0 हुआ, 3 है तो 3 को 24 बार में काट देंगे, तो 3 24 तो 72, यानी 24 यहीं कितना होता है 72, ऊपर बच गया 24, नीचे बच गया 10, तो एक्स का मान कितना हो गया 240 हो गया, यानी कि एक्स का मान कितना हो गया 240, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। प्लस बी का 15%, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25% है, ए माइनस बी का 25% है, ठीक है। इसमें तो 25 से 25% काट देंगे, 25 है तो 5 5 25 है, 5 3 15, 5 3 15 है, यानी कि अब 3 में ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 है, अब प्लस 3 में बी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बी, उसके बाद 5 में ए से गुना करेंगे तो 5 ए हो जाएगा, और माइनस तो माइनस हो जाएगा, 5 में बी से गुना करेंगे तो 5 बी हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि 3 ए है, यहाँ पर 5 ए है, तो 5 ए को क्या करेंगे, 5 बी है, तो 5 ए को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और 3 ए माइनस 5 ए बराबर माइनस 5 बी प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3 बी। यहाँ देखिए 3 ए में से 5 ए निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस 2 ए बराबर माइनस 5 बी और माइनस 3 बी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बी हो जाएगा। तो यहाँ देखें माइनस से माइनस काट देंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 से 8 है तो 2 को 4 बार में काट देंगे, यानी कि एक बराबर क्या हो गया, एक वैल्यू 4 बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मान 4 बी हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि ए बराबर 4 बी है तो गुना है, तो यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा, गुना तो इधर 4 को उधर भेज देंगे, एक बगल में भेज देंगे, तो ए बटा 4 हो जाएगा, यानी कि बी का वैल्यू अब कितना हो गया, ए बटा 4 हो गया, यानी कि बी जहाँ जा रहा है वहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, ए बाई 4। तो कह रहे कि बी का कितना प्रतिशत एक बराबर है, तो देखिए आप क्या लिखें, बी का कितना प्रतिशत यहाँ पर बराबर ए है, एक बराबर है, यानी कि जेड जेड लिखेंगे
तो बी का जेड प्रतिशत बराबर क्या होगा ए। अब देखेंगे जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर ए बाई फोर लिखेंगे, बी का वैल्यू कितना है ए बाई फोर, तो बी की जगह पर ए बाई फोर लिखेंगे, और गुना है तो गुना लिखेंगे, जेड तो जेड बटा सौ लिखेंगे, और बराबर ए है तो ए लिखेंगे, ए से ए कर देंगे। और देखिए ए जेड ऊपर है तो ऊपर आ जाएगा, चार में सौ से गुना करेंगे तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, चार में सौ से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, यानी कि यही मेरा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कह रहा है कि 300 का 25 प्रतिशत वहाँ का है तो गुना कर देंगे अब 20% हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 2 0 से 0 होगा, फिर 0 से 0, यहाँ 2 0 है 1 0 तो 1 0 कर देंगे, उसके बाद 2 5 10, 2 5 10 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, ऊपर बच गया 3 और ऊपर बच गया 5, 3 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये मेरे आंसर हो जाएगा। करें कि यदि 25/2 का एक्स परसेंट, 25/2 का गुना कर देंगे पर एक्स परसेंट, उसको सौ में बदल देंगे तो 150 है, यानी कि 25, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी कि 25/2 तो 25 का 100 हो जाएगा, ऊपर एक्स है तो यहाँ पर नीचे एक्स हो जाएगा, और 2 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो नीचे 8 हो जाएगा, यहाँ पर 150 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे एक छुपा हुआ है तो एक्स में एक से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और 150 में 8 से गुना करेंगे तो 120, यानी कि 1 0 है तो 1 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान कितना हो गया 1200, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसके पीछे वाले में बताए हैं जो कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन आप सिर्फ डिजिट चेंज है, तो जो चले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर कि एक्स माइनस वाई का 50%, एक्स माइनस वाई का 50% बराबर एक्स प्लस वाई का 30%, कितना परसेंट है 30%। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेम क्वेश्चन पीछे वाला जो है वही क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको क्या करते हैं फिर वही उसी क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस के माइनस, फिर 5 में y से गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा, उसके बाद 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस का प्लस हो जाएगा, और 3 में y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, उसके बाद देखिए 5x है यहाँ पर 3x है, 3x प्लस में है इधर का क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 5x माइनस 3x हो जाएगा, और इधर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए बराबर 3x, यहाँ प्लस है माइनस है इधर का प्लस हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब देखेंगे 5 को x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर 3 y या 5 y हो जाएगा 8 y। अब यहाँ पर का कट 2 चौका 8, 4 बार में काट देंगे तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसको यहाँ पर लिखा है कि y x का कितना प्रतिशत है, यानी कि y 4y के बीच में क्या है गुना है, तो y का मान कितना हो जाएगा x बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना है तो इधर का भाग हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा x बाई 4, यानी कि y जहाँ जा रहेगा क्या लिखेंगे x बाई 4। तो उसके बाद देखेंगे उसके बाद कह रहा है कि y बराबर x बाई 4 हो गया, तो y का मान दिया कि y x का कितना प्रतिशत है, तो कितना की जगह आप क्या लिख सकते हैं जेड, तो यानी कि देखिए y का मान कितना दिया x बाई 4 दिया है, तो y की जगह पर x बाई 4 लिखेंगे बराबर x गुना जेड बटा 100 हो जाएगा यहाँ पर, तो x से x कट जाएगा, ऊपर देखिए 4 है 100 है तो इसको 25 बार में काट देंगे, 4 25 में गुना कर 100 हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे जेड का मान कितना हो गया 25 हो गया, यानी कि जेड बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ए में दिया है 25%, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और कि यदि ए का 20% बराबर बी का 50% है, तो इसमें देखेंगे कि परसेंट से परसेंट काट देंगे, आ 1 0 से 1 0 काट देंगे, उसके बाद यहाँ पर ए में 2 से गुना करेंगे तो 2 ए हो जाएगा, और उसके बाद बी में 5 से गुना करेंगे तो 5 बी हो जाएगा, यानी कि उसके बाद क्या करेंगे देखिए ए का मान निकालेंगे तो 2 ए है यहाँ पर गुना है, तो ए को यहीं पर रोक लेंगे और बी को ए 2 को उधर भेजेंगे, तो यानी कि 5 बी बाई क्या हो जाएगा 2, यानी कि ए का मान कितना हो गया 5 बाई 5 बी बाई 2, यानी कि जहाँ जहाँ ए रहेगा वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे 5 बी 5 बी बाई
टू लिखेंगे। तो करके ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी कि ए ए का कितना प्रतिशत यानी जेड प्रतिशत क्या है बी है, बराबर बी हो जाएगा। यानी कितना के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक जगह आपका है फाइव बी बाई टू, यानी कि एक जगह आप क्या लिखेंगे फाइव बी बाई टू हम लिख सकते हैं, फाइव बी बाई टू, और गुना है तो गुना हो जाएगा और जेड तो जेड हो जाएगा बस बटा सौ हो जाएगा, बराबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ बी कट जाएगा, उसके बाद पाँच है तो उसको काट सकते हैं, पाँच बीस बीस बार गुना करेंगे तो बीस पचास सौ हो जाएगा, और ऊपर बच गया नीचे बच गया दो और बीस तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा चालीस हो जाएगा। तो जेड का मान कितना हो जाएगा चालीस, जेड बराबर बीस दुना चालीस हो जाएगा, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कह रहा है कि यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, राम की आय श्याम से कितना अधिक है 12.5% अधिक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको क्या करेंगे, 12.5% का अर्थ हुआ कि 12 दोनों 24 है, 24 है 25, 25 बट्टा 2 यानी कि 25 बटा 200 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे परसेंटेज में बदलेंगे तो 25 बटा 200 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे कि 5 25 अब 5 चौका 20 यानी सॉरी यहाँ पर 5 चौका 20 और 5 8 40 यानी ऊपर क्या बच गया एक बच गया, नीचे बच गया 8, यानी कि ऊपर राम की आयु 1 हो गया और 8 श्याम की आयु 8 हो गया। तो देखेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पर कि राम की जो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट में रहता है वो ऊपर होता है और जो लास्ट में होता है उसको उसका मान नीचे वाला होता है। तो राम की आयु 1 हो गया और श्याम की आयु 8 हो गया। तो राम की आयु कितना हुआ 1 और श्याम की आयु 8 हो गया। तो इसमें देखेंगे कि कौरे राम की आयु श्याम से 12.5% अधिक है, राम श्याम से क्या है 12.5% अधिक है। तो एक तो है लेकिन आठ से क्या है यह अधिक है, क्योंकि एक ऊपर है और आठ नीचे है तो एक अधिक हो जाएगा और आठ कम हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे आठ अधिक है तो इसमें क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे तो नौ हो जाएगा और श्याम का आयु आठ हो जाएगा। तो देखेंगे कि नौ और आठ के बीच का अंतर कितना है, नौ और आठ का बीच का अंतर कितना है तो एक है, यानी कि राम श्याम से एक बरस अधिक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक बटा नौ हो जाएगा। तो नौ उसके बाद सौ से गुना कर देंगे परसेंटेज में बदल देंगे, इसको काटेंगे तो 33 पूर्णांक 11 पूर्णांक 1/99 हो जाएगा, 11 99 100/3।